नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल रॉय और आप सभी का स्वागत है केजू पाठशाला में। हम कल आपको बता रहे थे करंट अफेयर और यहाँ पे लिखा है करंट अफेयर, तो आइए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। करंट अफेयर का क्या है कि करंट अफेयर सारे जितने भी वो होते हैं, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। पहला जो करंट हमारा स्टार्ट है वो उसमें मैंने मेंशन किया है यूनियन गवर्नमेंट। अगर मैं यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मतलब मोदी सरकार, ठीक है। वो क्या कर रही है, अभी इस फिलहाल का जो बजट आया था उसमें आपने देखा कि बहुत सारे सेक्शन को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, यानी प्राइवेट हो गए, जैसे इंडियन रेलवे प्राइवेट हो गए, LIC हो गई प्राइवेट हो गए। ठीक उसी तरह क्या था कि पहले का क्या सीन था कि पहले का सीन ये था कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करती थी कि अपने कुछ कुछ शेयर अलग अलग सेक्शन में देती थी, जैसे एयरलाइन का भी कुछ कुछ परसेंटेज वो देती थी। लेकिन इस बार क्या किया, इस बार उन्होंने 100% स्टेक क्या किया कि उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जिस एयरलाइन को इस साल जिसको 100% स्टेक जो अपना शेयर दे रही है वो है एयरलाइंस, ठीक है, सॉरी एयर इंडिया। तो एयर इंडिया को इस बार क्या कर रही है मोदी गवर्नमेंट कि वो अपना 100% शेयर जो है ना वो उसे सेल कर रही है। अब मैं एयर इंडिया की जब मैं बात कर रहा हूं तो एयर इंडिया से एक साधारण सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसके सीईओ कौन है ना। तो इसके सीईओ है प्रदीप सिंह खरोला, प्रदीप सिंह खरोला, ठीक है। तो ये पहला हमारा जो करंट का जो था पहला क्वेश्चन, ये हमें समझना है, ठीक है। अब दूसरी चीज है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। 2020 का जो जनवरी का जो महीना है ना उसमें आंध्र प्रदेश पूरी तरह से छाया रहा। छाया क्यों रहा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हुई। एक तो पहली चीज कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी हिंदी में अगर बात करूं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को कहते हैं विधान परिषद, विधान परिषद को खत्म कर दिया, यानी एबॉलिश कर दिया, पहली चीज आंध्र प्रदेश में नहीं। और पहली बार आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी स्टेट ने, भारत की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी स्टेट ने पहली बार ऐसा कुछ किया कि किसी सेक्शन पे इसने तीन अपना क्या किया कि तीन कैपिटल स्टार्ट किया, ठीक है। उसके क्या है, पहला तो आधार था लेजिस्लेटिव आधार पे, एग्जीक्यूटिव आधार पे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव होता क्या है और जुडिशियरी भी होता क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री थिंग्स आंध्र गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट डिवाइडेड हिज थ्री एंड मेड थ्री कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेटिव, यानी ऐसी कैपिटल होगी जहां पे सिर्फ क्या होगा, कानून बनाई जाएगी और कानून के बारे में संशय होगी इस यहां पे। और लेजिस्लेटिव जो है वो हमारा होगा कर्नूल में। तो लेजिस्लेटिव कैपिटल है कर्नूल, एग्जीक्यूटिव जो कैपिटल उन्होंने बनाई वो है अमरावती, अमरावती और जुडिशियरी, ओ सॉरी, तो ये कर्नूल यहां नहीं होगा, कर्नूल तो यहां होगा ना, कर्नूल, ठीक है। और ये जो है ना ये विशाखापट्टनम, ओके विशाखापट्टनम। अब ये चीजें मैंने आंध्र प्रदेश से जो भी इस जनवरी 2020 में जो भी वो था, एक तो पहला जो एबॉलिश वाला मैंने बता दिया पहले कि इसने अपनी विधान परिषद को एबॉलिश कर दिया, तो आप नोट डाउन कर दीजिएगा। अब ये चीजें जो मैंने बता दी उसके अलावा भी दो नॉर्मल सी चीजें आपको जानकारी में होनी चाहिए, वो है कि इसके सीएम कौन है और इसके गवर्नर कौन है, ओके। इसके सीएम ये जो है गवर्नर जो है उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। और इसके सीएम जो है वो है जगमोहन रेड्डी, नौजवान है और व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है इनका, ठीक है। तो जगमोहन रेड्डी, तो आपने अभी आंध्र प्रदेश से चीजें समझ ली, ठीक है, ये चीजें हो रही है, ओके। अब हम बात करते हैं आरबीआई से, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्थापना के स्वरूप में कि स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935, ठीक है, कहां हुआ था। वैसे हेडक्वार्टर मुंबई में है लेकिन इसकी स्थापना जो हुई थी वो कोलकाता में हुई थी, राइट। तो आरबीआई से जुड़ी ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अभी शक्तिकांत 24 या 25वें, मैं कंफर्म नहीं हूं, आप कंफर्म कर लीजिएगा, 24वें या 25वें गवर्नर है, आप इसको कंफर्म करके प्लीज मुझे कमेंट में आप मुझे बता जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगली में बात करते हैं स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड,
स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। इसमें क्रिकेट की बात हो रही है, इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है, जाहिर सी बात है ये क्रिकेट से ही रिलेटेड होगी, ठीक है। और इसलिए भी खबरों में है क्योंकि ये जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड है ये एक भारतीय प्लेयर को मिला है, भारतीय प्लेयर और वो हमारे भारत का कैप्टन भी है, ठीक है, विराट साहब को, विराट कोहली साहब को ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला है। अब क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं कि एक और अभी मिल रहा है, पाली उमरीगर अवार्ड, ठीक है। तो ये जसप्रीत बुमराह को मिला है, जसप्रीत बुमराह को मिला। तो ये रही हमारी पांच करंट से जुड़ी जितने भी बातें हुई जो हमने की आपसे साथ, ठीक है, आपको समझ में आई होगी। आगे भी आगे की कड़ी में हम फिर से इसको स्टार्ट करते हैं, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं और फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूँ। छठे पे बात करते हैं, छठे उस पे करंट पे वो है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया। मजे की बात है कि यूपी में नाम चेंज हो रहे थे, अब यहाँ भी चेंज हो रहे होने लगे हैं कोलकाता में भी, ठीक है। तो क्या है कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम चेंज हो गया है, श्यामा प्रसाद ट्रस्ट। ये क्या है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट मतलब बंदरगाह से रिलेटेड है ये, ठीक है। इसका नाम चेंज हो गया श्यामा प्रसाद ट्रस्ट। और चूंकि हम कोलकाता की बात कर रहे हैं तो कोलकाता के सीएम कौन है, फिलहाल सीएम कौन है और गवर्नर कौन है ये भी जान लीजिए आप, है ना। तो सीएम है ममता दीदी, ममता दी मैं लिख देता हूं अभी यहां, और गवर्नर जो है ना उनका नाम है जगदीप धनखर। बहुत धन छुपा कर रखा है जगदीप धनखर, ठीक है। तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के बारे में हमने इतने बारे में जो जानकारी मुझे थी मैंने आपको बता दी अभी। तो अभी हम आर्मी डे के बारे में बात करते हैं, आर्मी डे जो है वो मनाया जाता है 15 जनवरी, क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, ठीक है। और यूथ डे 12 जनवरी, इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म भी हुआ था, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें, ठीक है, तो इस दिन ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। पिछले साल बनारस में इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, अलग अलग जगहों से काफी लोग आए थे। और पिछले साल क्या हुआ था कि पिछले साल तो कुंभ भी तो था, तो यहाँ पहले बनारस में लोगों को बुलाया गया, फिर यहाँ से कुंभ ले जाया जाएगा, तो बहुत एक बहुत अच्छा वो हुआ था, राइट। अभी हम बात करते हैं 10th वर्ल्ड साइंस कांग्रेस, राइट। तो ये पिछली दफा हुआ था पंजाब में, और इस दफा जो हुआ ना ये बेंगलुरु में हुआ है, बेंगलुरु, ठीक है। और बेंगलुरु से याद आया कि बेंगलुरु से मैंने कल आपको कुछ बताया था, मैंने ये बताया था कि बेंगलुरु एक ऐसी सिटी है जहाँ की सबसे गंदी ट्रैफिक है ना, नीदरलैंड की एक कहते हैं ट्रैफिक इंडेक्स, नीदरलैंड बेस्ड, नीदरलैंड में ही वो ट्रैफिक इंडेक्स निर्धारित करने वाले लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि बेंगलुरु एक ऐसा सिटी है ना जहाँ पे ट्रैफिक बहुत गंदी है, ठीक है। बेंगलुरु की बात करते हो, बेंगलुरु आता है कर्नाटका में, है ना। तो कर्नाटका के सीएम कौन है भाई, सिद्धारमैया। तो मेरे दोस्तों आज की जो करंट की बातें थी वो हम यही खत्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जनवरी 2020 की करंट यही खत्म होगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में हम आपको करंट की और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे और लेके क्या आएंगे, अब तो ये सीरीज ही चलेगी, ठीक है। हमारा विजन ये है कि आप पूरी तरह से करंट से जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें, और हम आपकी मदद करेंगे कि आप अपने ख्वाब को पूरी कर सकें, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और एक अच्छी बात ये है कि आज हम बहुत खुश हैं, बिकॉज आज सुबह की जो रिस्पॉन्स आपने दिया वो बहुत ही अच्छा था, आई वॉज ट्रूली ओवरवेल्म। जो प्यार देते हैं तो हमें भी कुछ देने का मन करता है, तो थैंक यू वेरी मच, दिल से बोल रहा हूँ। और मेरे साथ बने रहिए, कीप लविंग योर सेल्फ, अच्छे से पढ़िए, आपके ख्वाब मुकम्मल होंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।
सो गाइस, एक चीज मैंने जो अभी मैंने अभी देखा, जब इसको एनालाइज कर रहा था मैं, जब देखा तो मुझे समझ में आया कि हाँ एक जगह मैंने गलती कर दी है। मैंने क्या किया कि आपको आउटडेटेड चीजें बता दी हैं। आउटडेटेड चीजें ये है कि जब मैं बात कर रहा था कर्नाटका और कर्नाटका के सीएम की बात कर रहा था तो सिद्धारमैया बोला, हाँ वाकई सिद्धारमैया थे। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार जब बनी थी तो सिद्धारमैया थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि सिद्धारमैया जी का जो जैसे कांग्रेस तो वो हो गई, तो फिर बीजेपी की सरकार बनी है फिलहाल, ठीक है। तो अभी बीजेपी के सरकार जो बनी है तो उसमें सिद्धारमैया तो कांग्रेस वाले हैं, तो ये हो नहीं सकते। तो अभी जो है ना सीएम, वो सीएम जो है उनका नाम है वीएस येदियुरप्पा, ठीक है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, सिद्धारमैया ये थोड़ा आउटडेटेड वर्जन है, तो ये नहीं होगा बल्कि ये होगा येदियुरप्पा, जो भी है येदियुरप्पा, ठीक है। तो ये मैंने आपको अपडेटेड चीजें बता दी। I'm really very sorry कि मुझे इस चीज का ध्यान नहीं रहा, पर आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा, ठीक है। ये सारी बातें बतानी थी।